नमस्कार दोस्तों, सरिता किचन में आप सभी को स्वागत है। आज हम आमले से लच्छेदार जैम बनाएंगे। देखिए, 250 ग्राम आमला लिए हैं, जितना आमला लेंगे उतना ही चीनी लिए हैं, और 4 छोटी इलायची और 1/2 इंच दालचीनी लिए हैं। अब हम आमले को कद्दूकस कर लेंगे इस तरह से। इसी तरह से हम सारे आमले को कद्दूकस कर लेंगे। देखिए दोस्तों, आमला को हम कद्दूकस कर लिए हैं। अब हम गैस को ऑन करेंगे और इस पर हम कढ़ाई गरम हो रहा है। इसमें हम आमला को डाल देंगे। इसमें हम चीनी भी डाल देंगे। अब गैस का फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और इसे हम चीनी गलने तक इसे हम चलाते रहेंगे। देखिए दोस्तों, चीनी गल चुका है। अब इसे हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे, लो मीडियम फ्लेम पर इसे हम पकाएंगे। इसमें हम दालचीनी और इलायची को भी डाल दिए हैं और इसे धीमी आंच पर हम इसे पकाएंगे जब तक कि चीनी गाढ़ा ना हो जाए। देखिए दोस्तों, आंवला भी पक चुका है, देखिए पारदर्शी हो गया है और चीनी भी करीब करीब सूख गया है। दोस्तों, आप पानी आपको डालना नहीं है, इसका अपना ही पानी से पकेगा। और इसमें हम 2 चम्मच घी डाल दे रहे हैं। इसे हम 4 से 5 मिनट और हम इसे पकाएंगे। देखिए दोस्तों, आमले का लच्छेदार जैम बन के तैयार हो गया। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर दे रहे हैं। और दोस्तों, आंवला हम सभी को खाना चाहिए किसी न किसी रूप में, क्योंकि आंवला बहुत ही फायदेमंद और विटामिन सी से भरपूर होता है और इतना कसैला होता है कि हम इसे डायरेक्ट खा नहीं सकते हैं। इसलिए हम सभी को किसी न किसी रूप में आंवला का अचार हो या जैम हो, जेली हो, मुरब्बा हो, किसी न किसी रूप में खाना चाहिए। दोस्तों, आप भी मेरे बताए हुए तरीके से लच्छेदार जैम बनाइए और खाइए। अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिएगा दोस्तों और सब्सक्राइब करिएगा। और अब हम फिर मिलेंगे दोस्तों अगले रेसिपी में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।